नाजरीन असला प्रोग्राम इकबाल शनासी में आपकी मेज़बान सादिया कमाल हाज़री खिदमत है जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा तो कर लेता है ये बालो रूहल अमी पैदा नाजरीन अलामा इकबाल को हम मुफक् मशरक़ और पाकिस्तान का कौमी शायर कहते हैं अलामा महज सकीर सकी पाको हिंद में मकबूल नहीं बल्कि इस वक्त महजब दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ अलामा इकबाल का नाम मरूफ ना हो अमरीका यूरोप और रूस में कलाम इकबाल के तराजम हो चुके हैं इसी तरह दुनिया की तमाम बड़ी जबानों अंग्रेज़ी जर्मन फ्रांसीसी अतालवी रूसी अरबी चीनी जापानी और फारसी में अलाम इकबाल पर किताबें और मकालत कलम बंद किए जा चुके हैं इकबाल शनासी के इस प्रोग्राम में आज हमामा इकबाल की बैन अवी शहरत पर बात करेंगे शरीक मजलिस प्रोफेसर डॉक्टर अयूब साबिर इकबालिया के प्रोफेसर हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर राशिद हमद जिन्होंने अकबालियात में डॉक्टरेट किया है दोनों मेहमानों को खुश आमदी प्रोफेसर साहब अमा इकबाल इक इक एक ऐसी शख्सियत जिसने बर सग़ीर पाक हिंद में और बहुत सारे बड़े बड़े अदीब और शुरा गुजरे लेकिन अमामा इकबाल को ही बैन अवी शहरत क्यों मिली इकबाल वो वाहिद शायर हैं बरे सगैर के जो मगरब से भी उतने ही शनासा हैं जितने मशरक से भाक तो उनकी नज़र मशरक पे भी है मगरब पे भी है अब आप देखें कि उर्दू अंग्रेज़ी फारसी अरबी इन जुबानों के जो अदब हैं इकबाल उनके बारे से हैं जर्मन जुबान और संस्कृत से भी वह एक हद तक, तक वाक़ थे जो दुनिया की और आलम इस्लाम की तारीख है उस पर उनकी गहरी नज़र थी दीनियात पर उनकी गहरी नज़र थी माशियात पे समाजी लूम पे उनकी गहरी नज़र थी फलसफा जो है हिंदी फलसफा मगरबी फलसफा इस्लामी फलसफा सब पे उनकी गहरी नज़र थी और एक ख़ास बात यह है मैं समझता हूँ कि फलसफे भी बहुत हुए हैं दुनिया में लेकिन एक, एक के फलसफे ने दूसरे के फलसफे को रद्द किया है इकबाल का जो फलसफा है असल जो अहमियत है उसकी वो ये है कि जब ये आप ये सवाल उठाते हैं कि कोई फलसफा सही है या गलत है तो वहाँ जा के बात बनती है और समझ में बात आती है कि इकबाल का जो फलसफा है वो फलसफा सही है उसकी वजह यह है कि इकबाल क़ुरानीम से रोशनी लेते हैं और उसे नहायत मवसर अंदाज के साथ वो शायरी में पेश करते हैं सही तो लोग पढ़ते हैं और बहुत तराजम हुए हैं अरबी में जिस तरह आपने भी बताया फ्रांसीसी में अंग्रेजी में जर्मन में फारसी में, में जर्मन में, में, में तुर्की में तो आ, उन तराजम के जरिए से इकबाल ने लोगों को समझा और जो अंग्रेज़ी ख़ुद समझते थे या फारसी खुद समझते थे उन्होंने तो बर रास्त इकबाल का मताल किया तो यूँ इकबाल जो हैं तो वो आलम इस्लाम में भी पाकिस्तान के तो वो खैर शायर हैं ही बर के मुसलमानों के व शायर हैं ही लेकिन यह है कि आलम इस्लाम के भी वो शायर हैं सिर्फ़ शायर नहीं हैं वो मुफक्र भी हैं साथ जितने बड़े वो शायर हैं उतने बड़े मुफक्र भी हैंज़ीम हैं शायर और मुफक्र वो बक वक्त हैं तो चुनाचे उनकी फ़िक्री अजमत ने उनकी शायरी को जला बख्शी है और उनकी शायरी ने उनके फ़िक्र को बहुत मौसर तरीके से बयान किया है तो ये सारी बातें जो हैं ऐसी हैं कि इकबाल का जो कलाम है इकबाल का जो फ़िक्र है वो दुनिया भर में उसकी एक हैसियत है और दुनिया मानती है उन्हें जी डॉक्टर साहब इकबाल कट्टर मुसलमान तो थे लेकिन इंतहा पसंद नहीं थे उन्होंने हिंदुओं और ईसाइयों का हमेशा अदब एहतराम से जिक्र किया ऐसा क्यों किसी मुफ़कर या शायर का जितना नुक़ः नज़र वसी होगा जितना उसका दायरा फ़िक्र वसी होगा उसका दिल भी उतना बड़ा होगा सही तो इकबाल चूँकि आलम इंसानियत के बारे में सोचते थे तो ये हो नहीं सकता कि वह इंसानों को टुकड़ों में बाँट के देखते हों और तसुबात के बहुत महदूद किसी दायरे में वो मुकैद हो के रह जाएँ ये मुमकिन ही नहीं था यानी इसके लिए उन्हें को बचने की ज़रूरत नहीं थी वो थे ही ऐसे वो इतने वसीुन नज़र थे मिसाल के तौर पे एक अंग्रेज शायर हैं शेक्सपियर अब उसको वो खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उसमें आखिरी जो शेर है वो मैं अर्ज़ करूँ कि हफ्ज असरार का फितरत को है सौदा ऐसा हफ् असरार का फितरत को है सौदा ऐसा राजद फिर न करेगी कोई पैदा ऐसा तो अब देखिए कि किसी दूसरी कौम के शायर को अगर वह इस तरह से ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि उसको खुदा के हाँ एक उसकी जो रसाई है उसको भी तस्लीम करते हों तो वो कितना वसी और नज़र शायर होगा ये कोई अजीब बात भी नहीं है और ये कोई इतनी अचंभे की बात भी नहीं है कि इकबाल इतने वसी और नज़र थे इतना बड़ा मुफक्कर इतना बड़ा शायर इतना बड़ा फ़िक्री निज़ाम रखने वाला जो शख्स है वो यकी ऐसा ही होगा और तसुबात से पाक होगा अच्छा मैं एक बात कहना चाहूँगा जी बिल्कुल कि क्या इकबाल का ये जो आफाकी नुक़ नज़र है ये अगर आप गौर करें तो इस नतीजे पर हम पहुँचते हैं कि वो इस्लाम की देन है चूँकि इस्लाम आफाकी है सही लिहाजा इकबाल आफाकी है अच्छा प्रोफेसर साहब अलामा इकबाल की मशहूर नज़म लननन ख़ुदा के हजूर में बेशतर में ममालिकर्जमों को मक़बूलियत हासिल कर चुकी है अश्तराकी ममालिक में मकबूलीत की वजह अगर हम देखते हैं तो क्या नजर आती है आप लनन ख़ुदा के हजू में जो हिस्सा है उसमें वो नजम जो है वह लैनन की शख्सियत की आहिनादार है उसमें सारी बातों से को कोफ़ नहीं है क्योंकि पहला ही शेर जो है लैनन ख़ुदा के हजूर में उससे वो इतफाक़ नहीं कर सकते इकबाल एक उसको एकदम जब वो मर जाता है अल्लाह के हजूर पेश होता है इकबाल उससे अल्लाह के पेश करते हैं ये अल्लाह को तो वो मानते ही नहीं है इश्तराकी है तो वो पहला शेर यह है कि ए अनफसो आफाक में पैदा तेरे आयात हक ये है कि है ज़िंदा ओ पाइंदा तेरी अब यह ऐसा शेर है जो इश्तराकियों को हज़म नहीं होता लेकिन है बहुत मौसर तो सब्र तोद को बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से इकबाल ने बयान किया है अशतराकीयों के लिए जो इसमें अपील है जिस वजह से वो इसे पसंद करते हैं इस नजम को वो नजम का आखिरी हिस्सा है जिसमें इकबाल अल्लाह से ख़ताब नहीं लैनन अल्लाह से दरख्वा कर रहा है अल्लाह के हजूर कह रहा है कि तू कादर आदल है मगर तेरे जहाँ में तू आदल भी है अदल करने वाला भी है और कादिर भी कुदरत भी रखता है तू कादर आदल है मगर तेरे जहाँ में हैं तल्ख बहुत है मजदूर के औकात और कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना दुनिया है तेरी तेरी मुंतजर रोज़ मकाफात अच्छा ये चीज़ है ये चूंकि सरमादारी के खिलाफ जाती है अशतराकीत जो है ये रद्दमल है सरमादारी का दोनों निज़ाम ऐसे मादा प्रस्ताना है दोनों निज़ाम जो है बैसी तो मजमु इकबाल ने उनको मुस्तरद किया है लेकिन जो इसराकीत का अच्छा पहलू है उसको भी एक बार लेते हैं और सरमादारी में कोई अच्छा पहलू है तो उसको भी लेते हैं तो ये एक अच्छा पहलू है अशराकीत में कि बंद मज़दूर के अवात तलख नहीं होने चाहिए अच्छा अगला हिस्सा जो है वो फरिश्तों का गीत है बरह रास्त अल्ल जो बात करता है वो फरिश्तों से करता है फरिश्ते एक गीत पेश करते हैं और लनन की बातों की तायद करते हैं और फिर अल्लाह जो बात करता है वो फरिश्तों से करता है लनन से नहीं करता और अल्लाह का लहजा जो है वो तहकुमाना है या इकबाल ने लहजा भी बदल दिया जमीन भी बदल दिया अब ये हिस्सा जो है जो फरमान खुदा है ये वो हिस्सा है जिसकी बुनियाद पर यहाँ तक कह दिया गया कि इकबाल इश्तरा हो गए थे अल्लाह के बाद ऐसी नहीं है अगर उन शेरों को आप इस्लामी नुक़ नज़र से परखें तो वह बिल्कुल इस्लामी है अब अल्लाह का फरमान क्या है उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो काखे व मराके दरो दीवार हिला दो और गरमाओ गुलामों का लहू हो यकीन से कंजिश्के फ्रो माया को शाही से लड़ा दो और कहते हैं कि जिस खेत से दहका को मैसर न रोजी, रोजी उस खेत के अर खोश गंदम को जला दो और मैं नाखुश बेजार हूँ अरमर किसलों से मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो और तहजीब नवी कारगहे शीशा ग्राह जदीद मगरबी तहजीब जो मादा प्रस्ताना है उस पर भी वार कर रहे हैं लैनन की ज़ुबान से नहीं अल्लाह ताला की ज़ुबान से तहज़ीब नवी का गहेषगर है अंदाज ज़ुनू शायर मशरक़ को सिखा दो तो ये हिस्सा जो है बल्कि एक साहब ने तो अदालत में कह दिया था जी कि मुझे आप पकड़ते हैं अमामा इकबाल भी तो इश्तराकियाँ देखें कैसी नज़म कही है तो इकबाल ने जब पता चला तो अगले ही दिन अखबार ज़िम्मेदार ने एक ख़दशाय करार दिया था कि मैं इश्तराकी नहीं हूँ इस को मैं अच्छा उन्होंने इसका जवाब दिया नहीं समझता हूँ और मेरे नज़दीक ये इहाद के मुतरदफ़ है और वही इकबाल ने एक बात ये भी कही कि मेरे ख्याल में आइंदा चल कर रूस रूसी कौम जो है वो इस का अच्छा खासा तजर्बा करने के बाद उससे दस्तबरदार हो जाएगी और वही हुआ फिलहाल रूसी कौम जाए इस तरकियत से दस्तबरदार होगी लेकिन इस के जो अच्छे पहलू हैं इकबाल ने बहुत खुले दिल के साथ उनकी तहसीन की है सही बाकी डॉक्टर साहब किस इस्लामी मुल्क नेमामा इकबाल का फारसी कुलियात शाइ़ किया और उनकी इस बारे में राय क्या है ये तो बिल्कुल वाजे है कि ईरान ने अलामा इकबाल का जो फारसी कुलियात है वो शाया़ किया है और जहाँ तक उनकी राय का ताल्लुक है तो मैं उन्हीं की जो जो राय बिल्कुल बराह रास्त हाल ही में जो मेरे सामने आई थी और डॉक्टर साहब भी वहाँ मौजूद थे डॉक्टर हदाद आदिल जो मजलिस है ईरान की कानून साज उसके स्पीकर आप कहिए वो आए हुए थे यहाँ दौरे पे तो उन्होंने कहा कि यहाँ की ज़बान जो उर्दू है वो मैं नहीं जानता और मुझे नहीं मालूम कि उसमें क्या सूरत है और आप लोगों की सोच क्या है लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ईरान में जब तक कोई आखिरी फारसी बोलने वाला भी जिंदा है इकबाल वहाँ जिंदा रहेंगे और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी बातें कहीं जो हमारे ऐवानों के हिसाब से जो है वो ख़तरनाक भी हो सकती हैं लेकिन उन्होंने सीधी सीधी बातें की कि, कि कौम में गैरत जगाने का और उसमें जज्बा हुर्रियत बरकरार रखने का जो इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा जो आप कहिए कि हथियार है वो इकबाल हो सकता है और बल्कि है और यकीन हम जब भी इन जज्बों का इजहार करेंगे तो इकबाल हमारी पुश्त में मौजूद होंगे प्रोफेसर साहब अगर बात की जाए तो ज़्यादातर अहले ईरान का फारसी गोशर के मुतल जो बड़े ज़गीर के फ़ारसी गोशर हैं उनके मतलक एक रवैया पाया जाता है उनके यहाँ कि वो किसी को ख़ातिर में नहीं लाते लेकिन जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि वहाँ पर ईरानी कुलियात ईरान में फारसी कुलियात का शाया हो जाना तो आखिर फिर मकबूलीत भी हासिल कर जाना और फिर गज़ालियानी का लकब मिलना इतनी सारी चीज़ें ये किस वजह से अच्छा सबसे पहले मैं इस आखिरी आपकी बात को लेता हूँ गजाल सानी कहा डॉक्टर अली शरीती ने यह इकबाल के लिए कोई बड़ा खराज अक़ीदत नहीं है डॉक्टर अली शरीती ने एक और बात कही है जो हैरान कौन है अपने किसी बड़े से बड़े मुफक्र के लिए भी वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल ये तरकीब इस्तेमाल नहीं करते डॉक्टर अली शरीती ने कहा इकबाल को अली गुना अली गुना में क्या अंदाज़ा लगाएं मर्तबा उनके नजदीक किसी का नहीं हो सकता मतलब अली जैसा। अली जैसा। तो ये अली गुना का मतलब बनता है सही। तो ईरान में असल में जो बर सिगिर के शौरा रहे हैं उन्होंने उसी तरह की फारसी शायरी की जिस तरह पहले होती थी फ़ारसी की रवायतें उर्दू गज़ल में भी आईं उर्दू में भी आईं इकबाल की शायरी उससे मुख्तलिफ है उस गज़ल में जो मीर ने शायरी की या और लखनऊ का दिबिस्तान शायरी है दिल्ली का दबिस्तान शायरी है एक दिबिस्तान जो है जवाल का एक रुख पेश करता है दूसरा दिबिस्तान जवाल का दूसरा रुख पेश करता है तो ईरान में बतौर ख़ास जिस वक्त इनकलाब आया है तो उसके बाद आ, उन्होंने देखा कि वो शायरी तो जो है तो वो तो बेकार शायरी है वो तो हमारे काम की नहीं है काम की अगर शायरी है तो वो इकबाल की है न सिर्फ उसलूब के अतबार से बल्कि फ़िक्र और ख्याल के अतबार से भी मानवीय अतबार से भी तो चुनाचे इकबाल के उसलूब के लिए वो सुबह के हिंदी आ, मतलब जिस तरह अंग्रेजी बाबुओं की अंग्रेजी होती है और उसे अकालद की नज़र से अंग्रेज़ देखते हैं अंग्रेज़ों ने हमारे हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे अंग्रेज़ी लिखने वाले हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें कोई घास नहीं डाली है अपनी तारीख़ी अदब में उनका ज़िक्र नहीं किया है इसी तरह फारसी वाले जो हैं तो वो जो बड़े सगीर के फ़ारसी के शौरा हैं उनके लिए एक तरकीब उन्होंने ईजाद की सुबह के हिंदी सुबह के हिंदी को वो हकारत की नज़र से देखते हैं और सारे शहरा कि वो उनके नज़ीक वो सुबह के हिंदी वाले हैं लेकिन इकबाल को वबह के हिंदी में शामिल नहीं करते इकबाल के लिए अलग एक तकियब उन्होंने एक है। वो है एक अच्छा सुबह के इकबाल और उसके वो बहुत कायल हैं बहुत जबरदस्त प्रोफेसर साहब वाकई सुबह के इकबाल ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक टर्म खुद उन्हीं के लिए ये बनाई गई तो डॉक्टर साहब ये भी बात सुनी गई है कि ईरान से पहले अफगानिस्तान में अलामा इकबाल ने शोहरत हासिल कर ली थी क्या ये बात दुरुस्त है फ़ारसी जो समझने वाले हैं वो ज़रा जल्दी उससे शनासाई उन्होंने हासिल कर ली थी दूसरी जबानों वालों ने ज़रा देर बाद लेकिन आप देखिए कि बैक वक्त यानी अफ़गानिस्तान तो बिल्कुल हमारे साथ ईरान भी था जब अंग्रेज़ी में पहली किताबा इकबाल की असरार खुद ही तर्जमा होती है तो अंग्रेज़ी में भी उनकी शहरत जो है वो वैसी है वो असल बात यह है किबाल का जो फ़िक्र है वो बहुत मज़बूत है वो जहाँ भी जाता है उसकी शहरत बाहर तो होनी होती है क्योंकि इतने बड़े फिक्री निज़ाम के साथ अभी तक इकबाल तक आते आते शायरी जो थी उसमें बहुत बड़ा फ़िक्री निज़ाम किसी शायर के पास मौजूद नहीं था तो जो अदबी दुनिया में ये पहला वाक़ था कि कोई आदमी इतना बड़ा फिक्री निज़ाम भी साथ रखता है शेर कहते हुए शेरी जो महासन है वो भी तो वो भी उसमें मौजूद हैं बदरजा याता उसमें भी कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा और फ़िक्री निज़ाम इतना बड़ा है कि वो दुनिया को तब्दील करना चाहता है वो जैसे डॉक्टर तो साहब ने अभी ज़िक्र किया था तो गज़ल का के इकबाल की जो गज़ल थी उधर की और इधर की उसने तो कहा कि मैं के मेरी गज़ल में है आतश रफ्ता का सुरा मेरी तमाम सर सरगुज खोए हुए की जस्तू तो ये जो खोए हुए की जस्तू है जो सबका इंसान के जो तजुर्बा को लेकर आगे चलना और बेहतर दुनिया तख्लीक करना ये जो उसकी उमंग और आर्ज़ू है ये इतनी बड़ी है कि वो जहाँ भी जाता है चाहे ईरान में जाए अफगानिस्तान में जाए उसका कलाम चाहे जर्मनी में जाए चाहे रूस में जाए चाहे अमेरिका में जाए चाहे बरतानिया में जाए वो जहाँ भी जाएगा वो एक ही जैसी जैसे मकाम व मरतबे का हामिल है और वह शहरत उसको वैसी ही मिलेगी सही प्रोफेसर साहब आप इस पर इजार ख्याल करना चाहेंगे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ईरान और अफगानिस्तान में एक ही टाइम में उनकी मकबूलीत है फ़र्क सिर्फ ये है कि बादशाह का जो दौर था उस वक्त ईरान नेशनलिस्ट था और ईरानी वफद जब चालीस की दहाई में एक आया हिंदुस्तान तो वो उसी कांग्रेसी नुक़ नज़र की नेशनलिज्म की हमायत का तवा में दिखाई देता है और इकबाल के मुकाबले में टेगोर की बातें उन्होंने ज़्यादा की वफद बायदा तकरीरें की उनका रद्दमल भी हुआ लेकिन जो जो वक्त आगे बढ़ता है तो इकबाल की गिरफ्त मजबूत होती जाती है और खूस ईरानी इनकलाब के बाद तो वो अलामा इकबाल को अपने फिक्री रहनुमाओं में शरीक करते हैं बल्कि इनकलाब का एक बड़ा अंसर करार देते हैं और इकबाल के एक शेर पर तो वो हैरान हैरान हैं बिल्कुल और उससे एक तो वो इमाम ख़मीनी की अज़मत की तोसीक़ का पहलू भी लेते हैं और दूसरी तरफ इकबाल की जो पेश गोई है उस पर हैरान होते हैं मैं देख रहा हूँ तुम्हारी दीवार के जिंदान के रोज़न से मैं देख रहा हूँ कि एक मर्द खुदागा आ रहा है जो तुम्हारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा ये इतनी ज़बरदस्त पेशगोई है कि ईरानी इस शेर पर बहुत ही फरेफ्त हैं जिस तरह चीनी एक शेर पर बहुत फरेफ्त है इकबाल ने कहा ना कि ग्राँ ख़वाब चीनी संभलने लगे हमाला के चश्मे उबलने लगे ये शेर चीनी को बहुत पसंद है अच्छा प्रोफेसर साहब अलामा ने मिस्र का दौरा कब किया और वहाँ पर खसूस तौर पर किससे मिले ये जब गए थे इकबाल गोल में दूसरी गोल में कॉन्फ्रेंस में पहली दफ़ा वो दूसरी गोल में कॉन्फ्रेंस में गए और चूँकि वहाँ के कॉन्फ्रेंस के हालात जो हैं उनसे उन्हें बहुत अख्तिलाफ था तो कुछ पहले ही वहाँ से वो निकल आए इंग्लिस्तान से और उन्होंने इटली गए फिर मिस्र गए फिर फलस्तान गए मिस्र में उस वक्त थे अब्दुल वहाब अजाम जो इकबाल का नाम सुन चुके थे और इकबाल से मुतासर थे जी। तो अब्दुल वहाब अजाम से इकबाल ने मुलाकात भी की मिस्र में तो उस मुलाकात के बाद तो फिर अब्दुल वहाब अजाम और ज़्यादा मुतासर हुए और बाद में इकबाल पे बहुत कुछ लिखा भी और इकबाल को मुतार भी करा पाकिस्तान में सफी भी रहे शायद पाकिस्तान में बाद में वो सफीर भी रहे और यहाँ भी उन्होंने एक मजलस्य इकबाल का इनकी भी थी अच्छा और सिफारत खाने में बाकायदा हर हफ्ते एक, एक वो होता था इजलास होता था जिसमें जो दानश्वर होते थे उनको वो शरीक महफल करता था और इकबाल पे बातें होती थी तो अरब दुनिया में अब्दुल वहाब अजाम जो है वो इकबाल को इकबाल शनासी को फ़्रो देने वाला पहला शख्स बन गया सही डॉक्टर साहब ईरान और दुनिया अरब के बाद किस इस्लामी मुल्क ने ज़्यादा अली मारी तहरीरें पेश किं ये शायद तुर्की की तरफ इशारा है और तुर्की भी एक ऐसा मुल्क है ईरान के और अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ साथ कि जिसने ल्लाह के फ़िक्र को जो है वो अपनाया है और उसे जिला बख्शी यूँ कह लीजिए के फ़िक्र को तुर्कों में जो पज़ीराई मिलती है उसका उसके बहुत से इसबा हैं एक तो बिल्कुल सीधा सा सबाब है कि चूँकि वो मुसलमान हैं तो एक मुसलमान की बात समझना उनके लिए ज़्यादा आसान है और वो भी अगर शायर हो तो ये और आसान हो जाता है कि उसके फिक्र को समझा जाए तुर्कों के यहाँ एहसास मैरूमी के बहुत से जो पहलू हैं वो मौजूद चले आ रहे थे एक अरसे से कलोनीलिज़म का वो शिकार रहा और हम भी चूँकि उन्हीं मराहल से गुजरे थे तुर्की ज़रा ज़्यादा शदीद हालात का शिकार रहा तो वो अल्लामा के ज़्यादा करीब है उसकी वजह यह है कि जो मुसलमानों के मसाइब और मसाइल जब इकबाल देखते हैं तो उस पर उनका फ़ैसला कन जो है वो इजहार होता है उसमें कोई लगी लिपटी वो नहीं रखते एक बात दूसरा ये कि तुर्की में मगरब जो है वो अपने असरात ज़्यादा रखता था तो अब जब अमामा इकबाल उसको ये बिल्कुल नई बात है अभी ये बहुत लाउड थिंकिंग है इस पर काम होना चाहिए और इन शाह आगे चल के होगा कि मगरब जो है वो तुर्की पर बहुत असरअंदाज होता है वो ऐसा इस्लामी मुल्क है होता रहा है बिल्कुल साथ है उनके और वो आधा तुर्की हमारा तो यूरोप ही है सही। तो जो अलामा का फ़िक्र है और अलामा की जो मगरब पे तनकीद है ये वहाँ बड़े अजीब मुतजाद और अजीब तरह के हालात भी पैदा करती है कि वो मगरब की तरफ जाना भी चाहते हैं और इस्लाम की तरफ भी रहना चाहते हैं तो इस कश्मकश कश में इकबाल उन्हें किसी फैसला क मरहले पर पहुँचा सकते हैं ये बिल्कुल नई बात है लेकिन इस पर अब आगे चल के गौर होगा जब ये कौमों के किरदार मुतयन होंगे जब उनका सिलसिला नसब जुड़ेगा कि ये किस तरफ कौन है ये एक ज़माना भी आने वाला है तो उसमें अलामा इकबाल का जो फिक्र है वो तुर्की में बहुत ही पजीराई उसकी होगी और इस बात का एहसास तुर्की में पहले से मौजूद है जी। अच्छा डॉक्टर साहब ने अच्छी उमदा वजाहत की एक बात का यहाँ भी मैं इजाफा करना चाहता जी बिल्कुल कीजिए जो बात मैंने पहले कही थी ईरान के तनाजुर में तुर्की में तुर्की असल में बरेसर के मुसलमानों के साथ तुर्कों की बहुत मोहब्बत है और अब पाकिस्तान के साथ इसलिए कि जब तुर्की के पे उस्ताद बढ़ी थी तो सारा बड़ सारे बरसर के मुसलमान जो हैं ना तो वो उनका दिल तुर्की के लिए धड़कता था ये जो तहरीक खिलाफत भी चली और ये सारा कुछ और यहाँ के वफद गए और उनकी मदद की और कैदें काटी अंग्रेज़ों की तो एक तो ये बात है कि वो हमारे साथ उनका एक कल भी लगाव है दूसरी बात यह है कि कमालता तुर्क की जो मुसबत पाती थी इकबाल ने और खूस वो जो इसम्बली को उन्होंने आ, खिलाफत के इख्तियार दे दिए इकबाल ने इसकी हमायत की ये चीज़ें भी हैं लेकिन जिस वक्त तुर्की में जो इस्लामी रुझान है वो गालिब आता है तो इकबाल की मकबूलीत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अब यह नजुम्दीन अरबकान की बात मैं आपको बताऊँ ये जिस वक्त तकरीरें करता था अभी ये उसमें नहीं आए थे हुकूमत में उससे पहले की बात है सिर्फ बलदयाती इंतखबा जीते थे और उसमें भी दिखाई थी तो आम इंतखबा के दौरान जिस वक्त वो तकरीर करता था तो तोबाल के अशार का तुर्की तर्जुमा लोगों को सुना के खुद भी रोता था उनको भी रोला था यानी ऐसी वो तीर थी इकबाल के कलाम में मैं जज्बाती हो गया कि नजबुल्दीन अरबकान हक सच का रोता था आ उन जलसों में और लोग भी रोते थे, थे। अच्छा ये मैं आपको बताऊँ ताजकिस्तान अफग़ानिस्तान के साथ मैं जी, जी। मैं बीबीसी को सुन रहा था जिस वक्त ये पांच आज़ाद रियासतें बनी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जी जी। तो ये एक जुलूस निकाल रहे थे वो ताजकिस्तान वाले और एक तराना सा पढ़ रहे थे और वो इकबाल की वो नज्म है असखाब गो अपना कौमी तराना बना दिया अच्छा, यूरोप में अगर किसी एक शख्स के सर ये सेरा बांधा जाए कि यह इकबाल शनासी की रिवायत का बानी है तो वो कौन होगा असल सबसे पहले असरार खुदी का तर्जुमा किया प्रोफेसर ए आर निकलसन ने जी और वह तर्जुमा जो है अगर जिसमें खामियाँ थी इकबाल ने बाज खामियों के निशानदेही भी की और उन्हें दूर भी किया गया लेकिन उसके बावजूद इतनी तोानाई थी इसरार खुदी के पैगाम में कि इंग्लिस्तान में अमरीका में तबसरे शाये हुए असरार खुदी वो उस तरजुमे पे और यूँ इकबाल आलम यूरोप में और अमरीका में उनसे लोगों का तारफ हुआ और वो यानी अपने नुक़ः नज़र से बाजों ने मुखालफत भी की लेकिन यह है कि इकबाल के पैगाम के, के तोानाई को सब ने महसूस किया बल्कि अमेरिका में एक आ, मुबसर ने लिखा कि यहाँ लोग कुत्ते बिल्लियों के बारे में अशार कह रहे हैं वहाँ लाहौर में एक शायर पैदा हुआ है जिसके बारे में ये कहा गया है कि हमारी कौम एक मसीहा पैदा हो गया है तो प्रोफेसर निकलसन के सर इकबाल के तारफ़ का सेरा जाता है जिस तरह अब्दुलबाहाब अज़ाम के सर जाता है अरब में इकबाल की आ, गोया जो इकबाल शनासी को जो फरोग हासिल हुआ है उसकी फिजा जो है करते हैं जी आ, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है आप दोनों मेहमान तशरीफ़ लाए हमारे इस प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर एयूब साबिर साहब और डॉक्टर राशिद हमीद साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन अलामा इकबाल अगरचे बाहर अपनी शायरी में मुसलमानों से मुखातब है लेकिन उनका पैगाम जगराफियाई हदूद और नस्ली कैूद से आज़ाद है उनके में ऐसी आलमगीर खसूसियात हैं कि मुसलमानों के साथ साथ दीगर अकवाम के अफरा और गैर मुस्लिम भी उनसे इस्ता कर सकते हैं अमामा इकबाल का फलसफा अमल और जदद वजहद का फलसफा है आपके नज़दीक बेहरकत और बेअमल ज़िंदगी मौत के मुतरदफ़ है इसलिए अलामा जमूत को मौत और हरकत को ज़िंदगी कीमत समझते हैं सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है अपनी मेज़बान सादिया कमाल को इजाज़त दीजिए अल्लाह ने Thank you.